फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वेदांगा हैविंग द ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री और रेखा गणित, यू मे से इन हिंदी। रेखा गणित हिंदी में कहते हैं। इस वीडियो में, चूंकि हमारा शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा वेदांग है जिसकी, जहां से रेखा गणित की उत्पत्ति मानी जाती है, ज्योमेट्री का ओरिजिन उसे माना जाता है। तो ये हम अभी समझेंगे। बेसिकली क्या है, वेदांगों पे एक पूरा का पूरा लेक्चर मैं दे चुका हूं, एकदम डिटेल लेक्चर था वो। आप प्लेलिस्ट में जाए, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द लेक्चर नंबर 59, आई थिंक 59 या 60 होगा, वो आप देख लेंगे। तो वहां पे अगर जाके आप वॉच करेंगे तो वेदांगों पे पूरा डिटेल लेक्चर मिलेगा। फिर भी मैं पिन पॉइंटेड वीडियोस भी बनाते रहता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये रेखा गणित की जो बात है, वैसे तो आप डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग को वो स्ट्राइक ना करे क्योंकि आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं पिन पॉइंटेड वीडियो भी बना देता हूं ताकि आपको स्ट्राइक करती रहे चीजें। तो ये शॉर्ट वीडियो होता है बेसिकली मेरा। अब क्या है कि वेदांग क्या है, मैंने एक चीज बताया था जब मैंने वैदिक पीरियड को खत्म किया था। तो वैदिक पीरियड देखिए, वैदिक पीरियड का टाइम जो था वो 1500 टू 600 बीसी तक का समय था। दैट वाज द टाइम बिटवीन द 1500 टू 600 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था। और इस बीच जितने भी ग्रंथ आए, टेक्स्ट आए, उनको श्रुति कहा गया। वेद और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो ये सब जो भी आए वो उनको कहा गया श्रुति, क्योंकि ऋषि मुनियों ने देवताओं से सुना और फिर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास करते रहे, तो सुन सुन कर ये आगे बढ़ता रहा। तो इसे अपौरुष भी कहा गया क्योंकि किसी पुरुष ने इसे नहीं लिखा। तो अब देखिए, उसके बाद 600 बीसी के बाद जो भी टेक्स्ट आए, ठीक है, जो भी टेक्स्ट या ग्रंथ लिखे गए उनको स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। तो वेदांग भी जो है वो स्मृति ग्रंथ ही है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि वेदांग का मतलब होता है, हाँ, उस वीडियो में भी बताया है, मैंने आज भी बता रहा हूं, वेदांग मीन्स वेदों का अंग, ठीक है, वेदों का अंग यानी कि लिम्स ऑफ वेदास। इसे आप वेदांत मत समझिएगा, वेदांत उपनिषदों को कहते हैं, उसका मतलब वेदों का अंत। उपनिषद लास्ट में आए थे उस समय, तो वेदों का अंत यानी कि एंड ऑफ द वेदास, ये वेदों के अंग यानी लिम्स ऑफ वेदास या पार्ट्स ऑफ वेदास, तो ऐसे आप कह सकते हैं, लिम्स ऑफ वेदास बेसिकली कहिए। तो अब 6 वेदांग हैं, ठीक है। हमारा वीडियो जो है उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा मैं बता दूं, उस पर बात करूंगा फिर। हमारा जो 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है, इसे मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अब मैंने इसलिए ह्यूमन बॉडी बना दिया क्योंकि हर एक वेदांग जो है वो एक ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे शिक्षा जो है ये नोज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके बाद आपको कल्प जो है ये भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके बाद देखिए व्याकरण जो है ये माउथ को रिप्रेजेंट करता है, निरुक्त जो है ये कानों को, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ज्योतिष जो है ये आंखों को करता है, और छंद यानी मीटर जिसमें कविताएं लिखी जाती है, ठीक है, दोहे लिखे जाते हैं, गजलें लिखी जाती है, मैंने बताया था। तो छंद जो है वो पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पैरों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरह से हर एक वेदांग जो है, हर एक वेदांग वो 6 वेदांग है, और 6 वेदांग ह्यूमन बॉडी के 6 अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पार्ट है, इसे आप याद रखेंगे। अब बात ये उठती है कि हमारा जो आज का वीडियो है, वो आज का वीडियो था कि कौन सा ऐसा वेदांग है जहां से रेखा गणित या ज्योमेट्री की का ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने जब पढ़ाया था उसी समय बताया था डिटेल लेक्चर में कि एक वेदांग है कल्प, जो कि रिप्रेजेंट करता है भुजाओं, ठीक है, और भुजाओं को, कल्प का मतलब यह होता है, यहां पे क्या है, कल्प में रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, कर्म कांडों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कर्म कांडों के बारे में बताया गया है, रिचुअल्स या इन सब चीजों के बारे में बताया गया, इसलिए हाथ, कर्म कांड क्या है, हाथों से होते हैं, तो इसलिए ये हाथों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र
धर्म सूत्र, ठीक है, स्रोत सूत्र कहना चाहिए था, बौद्ध ध्यान, यहां लिख नहीं रहा हूं, मैंने डिटेल लेक्चर कराया हुआ है तो यहां बस आप सुन के भी लिख सकते हैं। श्रोत सूत्र को तीरथ के रचनाकार बौधायन, गृह सूत्र के रचनाकार अश्वलायन, श्रोत सूत्र के बौधायन, गृह सूत्र के अश्वलायन और धर्म सूत्र के हैं आप स्तंभ, आप, ठीक है, आप स्तंभ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये है। अब जो रेखा गणित की बात तो की गई है कल्प, कल्प में, कल्प वाले पार्ट, कल्प वाले वेदांग में रेखा गणित की बात की गई है और यहां से ये रिलेटेड है, यहीं से ओरिजिन माना जाता है, लेकिन यहां भी ये श्रोत सूत्र से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर वैसे अगर ये ना हो ऑप्शन में तो सीधे आप कहेंगे ओरिजिन माना जाता है कल्प सूत्र या रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित है रेखा गणित का संबंध माना जाता है तो कल्प से, कल्प सूत्र नहीं कल्प से, ठीक है। अब कल्प को तीन भागों में बांटा गया, अब कल्प ना आके दे दे कि कल्प के किस भाग से, कल्प के स्रोत सूत्र से, गृह सूत्र से या धर्म सूत्र से, तो स्रोत सूत्र से माना गया है। अब स्रोत सूत्र में भी एक पार्ट है जिसको कहते हैं, इसका एक पार्ट है शुल्ब सूत्र, आप एसएच से भी लिख सकते हैं, एस से भी लिख सकते हैं, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक है। तो शुल्ब सूत्र बेसिकली क्या है, इसमें यजना की बात की गई है, यजना यानी कि यज्ञ की, यज्ञ से संबंधित है। ये देखिए ये भी गृह सूत्र में भी आपको यज्ञ की बातें हैं समझ लीजिए, लेकिन ये हाउस होल्डर्स के लिए है, गृहस्थ लोगों के लिए है, ठीक है। गृहीय कर्म कांड जो होगा वहां पे, जो सेक्रीफाइस होगा, जो यज्ञ कराए जाएंगे घरों में, गृह में, वहां पे, प्लस यहां आठ तरह के मैरिजेस की बात हुई है, एट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, और यहां पे 18 संस्कार, हिंदू धर्म या सनातन धर्म का जो 18 संस्कार है उसकी भी बात की गई है। इस पे भी मैं डिटेल लेक्चर बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 60वां लेक्चर शायद है। और उसके बाद धर्म सूत्र में मानव का जो कर्तव्य है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, उन ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहां पर क्या बताया गया है, यजना यहां पे है, यजना के बारे में, वो तो पूरा कर्मकांड ही है, रिचुअल्स के बारे में कल्प में बताया गया है, ठीक है, कल्प रिचुअल से रिलेटेड ही है, यहां पे यजना है, ठीक है, यहां पे जो है यजना यहां पे भी है, लेकिन यहां पे सिर्फ गृहीय, घरेलू, डोमेस्टिक लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए जो यज्ञ होंगे वो यहां पर है, और यहां पर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस एंड 16 संस्कार, इनकी बात यहां पे की गई है, 16 संस्कार और 8 टाइप ऑफ मैरिजेस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धर्म सूत्र में जो है मानव जीवन की जो ड्यूटी है, मानव का जो ड्यूटी है, ह्यूमन का, हाँ, सोशल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी, हाँ, आपको इकोनॉमिक ड्यूटी, तो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो कर्तव्य हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं। अब देखिए शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र जो है तो इसका एक पार्ट है, कहीं कहीं श्रोत सूत्र को ही शुल्ब सूत्र भी कह दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब शुल्ब सूत्र जो है यही पे, शुल्ब सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुल्ब सूत्र का मतलब होता है, बेसिकली शुल्ब का मतलब जो है, शुल्ब जो वर्ड है, ये शुल्ब, ये जो शुल्ब है इसका मतलब है, इस शुल्ब का मतलब होता है क्या, नापने की डोरी, थ्रेड फॉर मेजरमेंट, और आप रस्सी भी कह सकते हैं, हाँ, नापने की रस्सी, थ्रेड फॉर मेजरमेंट। तो यहां पर तो एक ये बात है, दूसरी बात यहां पर यज्ञ वेदी बनाने की बात इसमें कही गई है, ठीक है, यज्ञ वेदी, यजना वेदी, वेदी यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी यानी हवन कुंड, ठीक है ना, आप फायर अल्टार्स भी कह सकते हैं, हवन कुंड, यज्ञ वेदी, बड़े बड़े हवन कुंड तो छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन यज्ञ के कुंड जो होते हैं बड़े बड़े होते थे। तो चूंकि ये डोरी से इसका संबंध है, हाँ, मेजरमेंट से इसका संबंध है शुल्ब का, तो कहा जाता है कि यज्ञ की वेदी जब बनाई जाएगी तो उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, इसमें लेंथ होगा, यज्ञ वेदी में क्या होगा, यजना वेदी में आपको लेंथ होगा, ठीक है, ब्रेथ होगा, ठीक है, एलबीएच में कर देता हूं, एल से लेंथ आप ऐसे कर लीजिए, एल एल बी और एच, हाइट भी होगा, गहराई,
हाँ लंबाई चौड़ाई सब कुछ होगा। तो ये अगर होगा तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई होगा, तो उस हिसाब से मेजरमेंट करके किसी भी तरह का यज्ञ वेदी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यज्ञ वेदी चाहे कैसे भी बना ले, ठीक है, कैसे भी बना ले, तो ये चूंकि लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात होगी मेजरमेंट में, तो इसीलिए इसे कहा गया कि रेखा गणित का जो ओरिजिन है, ठीक है, ज्योमेट्री का जो ओरिजिन है वो सुल्ब सूत्र है, ठीक है ना। ये सुल्ब सूत्र जो है यही जो है, ये आप कह सकते हैं ये सुल्ब सूत्र जो है इसी वजह से, ये आप ऐसे कर लो ज्योमेट्री या आप इसे रेखा गणित कहें, ठीक है, रेखा गणित। तो ओरिजिन आपको रेखा गणित का वैसे तो कहा जाएगा पूरा। देखिए वेदांग का अगर नाम पूछे तो कल्प में है, कल्प के किस पार्ट में है तो स्रोत सूत्र में है, और स्रोत सूत्र के किस पार्ट में है तो सुल्ब सूत्र में है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि यहीं से आपको रेखा गणित की उत्पत्ति हुई या ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। तो स्रोत सूत्र आप इसमें आपको इस पार्ट को ध्यान रखना है इस सवाल के जवाब के लिए, कल्प में है ओरिजिन, कल्प हैज द ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री और रेखा गणित यू में से, ठीक है, या विच पार्ट ऑफ द कल्प, तो स्रोत सूत्र, ठीक है, क्योंकि स्रोत सूत्र में यजना यानी यज्ञ की बात है, और स्रोत सूत्र का ही एक पार्ट है, हिस्सा है सुल्ब सूत्र, ठीक है। तो सुल्ब सूत्र, सुल्ब का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, यजना वेदी। और सुल्ब का मतलब बेसिकली होता है क्या, मेजरमेंट। सुल्ब में यजन वेदी के बारे में बताया गया है, यजन वेदी यानी यज्ञ वेदी बनाने की विधि बताई गई है, यज्ञ वेदी बनाने की विधि, ध्यान रखिएगा यज्ञ वेदी बनाने की विधि इसमें है, ठीक है। और सुल्ब का मतलब होता है मेजरमेंट, थ्रेड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, या थ्रेड फॉर मेजरमेंट, मतलब नापने की डोरी या नापने की रस्सी, आप जो भी कह रहे हैं। तो जब आप वेदी बनेगी तो उसमें LBH यानी लंबाई, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, तो किसी भी मेजरमेंट से ट्रायंगुलर होगा या ये आपको ये हो सकता है इस तरह का हो सकता है, तो कैसा भी है, ठीक है, तो कैसा भी ये हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ये ले सकता है। तो इसलिए ज्योमेट्री या रेखा गणित का ओरिजिन जो है ये कहां से माना गया, ये माना गया सुल्ब सूत्र से, बेसिकली सुल्ब सूत्र से माना गया, ठीक है। अगर सिर्फ कल्प हो, वेदांत का कौन सा पार्ट है ऑप्शन में, अगर ये सब नहीं है, कल्प है तो कल्प से ओरिजिन है, अगर स्रोत सूत्र हो तो स्रोत सूत्र खाली हो, अगर सुल्ब हो तो सुल्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि आपको सब कुछ जानना चाहिए, क्वेश्चन ये किसी भी तरह से बन सकता है। तो आपको बेसिकली सुल्ब सूत्र जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुल्ब सूत्र जो है ना, ये सुल्ब सूत्र है, ये आप लिख लीजिए इसको, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मोर ऑर लेस मैंने आपको बता दिया कि रेखा गणित का जो की जो उत्पत्ति है वो वेदांग का जो पार्ट है कल्प, उससे है, और कल्प में भी कहां से है ओरिजिन माना जाता है, स्रोत सूत्र से, और स्रोत सूत्र में भी कहां से, तो सुल्ब सूत्र से इसका ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि सुल्ब का मतलब ही होता है क्या, नापने की डोरी या थ्रेड फॉर मेजरमेंट। और चूंकि जब यज्ञ वेदी बनाई जाएगी, यहां यज्ञ वेदी बनाने की विधि बताई गई है, तो यज्ञ वेदी बनाई जाएगी तो यज्ञ वेदी में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, लंबाई चौड़ाई गहराई सब कुछ होगा यहां पर, तो इसी वजह से इसे रेखा गणित का या ज्योमेट्री का उत्पत्ति माना जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।